मौलाना साहब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ सब साथ में क्लास में रहते हैं तो क्या लड़का और लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं बिस्मिल्लाह है रहमान रहीम आपका सवाल आज के जमाने के मुताबिक अक्सर जवानों का है तो देखें अल्लाह ने इस दुनिया में मर्द और औरत और दोनों को खल किया है और दोनों ही को एक दूसरे के लिए करार दिया है लेकिन उसके लिए जरूरी है की हलाल और सही रास्ता अपनाया जाए अब रही बात ये की आप दोनों एक ही स्कूल में है या एक ही क्लास में है एक ही साथ किसी प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं या कोई इलमी सवाल है तो इसको हल करने के लिए कोई हरज नहीं है आप उतनी ही हाँ हद तक प्रोजेक्ट के हद हाँ तक या उस सवाल के हद हाँ तक ही आप जो है ना महरम से गुफ्तु -गु कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक शर्त है की फितने और फसाद का डर ना हो और शरीत के कवान की पाबंदी की जाए गलत ख्याल ना हो हराम में पढ़ने का डर ना हो लेकिन हराम में पढ़ने का डर हो या फसाद का खतरा हो तो ये भी जायज़ नहीं है ये याद रहे की शैतान हर आन कोशिश में रहता है वो किस तरह से मुमिन को बहकाए और उन्हें हराम की तरफ ले जाए जब आयतुल्लासानी हफेज से इस बारे में सवाल किया गया कि लड़कों का लड़कियों से दोस्ती करना जबकि सिर्फ बात करने की हद तक हो कोई गलत ख्याल भी ना हो बिल्कुल सालिम दोस्ती हो तो क्या ये जायज है तो आयतुल्लास्तानी जायज़ नहीं है और एक सवाल के जवाब में आप फरमाते हैं दो नामहरम का बगैर शादी के आपस में चूंकि गुनाह का सबब होता है लिहाजा जायज नहीं है और आयतुल्लाफेज फरमाते हैं की नाम के साथ दोस्ती चाहे दोस्ती शहवत की वजह से ना भी हो तब भी हराम है और इस पॉइंट की तरफ भी तोज्जो रहे की इसमें कोई फर्क नहीं है ये दोस्ती क्लास में हो या फिर फोन वगैरह पे चैटिंग के जरिए हो ये भी जायज़ नहीं है आखिर में अपनी बात को कंक्लूड कि अगर सिर्फ किसी इल्मी या किसी एजुकेशनल प्रोजेक्ट में या कोई मसल के डिस्कशन के तौर पर आप ना महरम से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उतनी ही हद तक आपको इजाजत है कि आप बात करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें इसके अलावा इजाजत नहीं है वसलम वरहमत लबरक दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को और दीगर ममिन को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें और अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालत को पूछ सकते हैं या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालत को पूछ सकते हैं अगर आपका पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ई मेल पर कि जो यहाँ पर मौजूद है पुरानी आईडी हमारी डिलीट हो चुकी है लिहाजा इस नई ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल को भेज सकते हैं अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं मदद करना चाहते हैं तो पेट्री के ज़रिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं पेट्री के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अगर इसके अलावा किसी और ज़रिए से आप हमारी मदद करना चाहते हैं हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे ज़रूर रबता करें